Good morning, everyone. Welcome to the class. This is Rita ma'am, your history teacher. We are continuing same chapter Europe. बड़ी देर से यूरोप ही घूमी जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा स्पीड पकड़े हाँ। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ टाइम फॉर रिकैप्चुलेशन, सो वी विल रिकैप्चुलेट। राघव गुड आफ्टरनून बेटा, अनम्यूट योर सेल्फ। राघव अनम्यूट योर सेल्फ। I have given you assess. Good afternoon, ma'am. हाँ जी बेटा, recapitulate. Ma'am, yesterday we have marked a question. Page number 20 and 21. Okay. Means itly unified, na? Yes, ma'am. चलो नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिटेन। यूरोप में ही है, ब्रिटेन चलते हैं। व्हाट इज अनदर नेम ऑफ ब्रिटेन? बॉयज का बड़ा ख्वाब होता है वहां जाने का। हाँ जी तेजेश्वर गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून मैम, इट्स यूके। हाँ इट्स यूके। व्हाट इज द थर्ड नेम ऑफ ब्रिटेन? इंग्लैंड। रुद्रा हाँ इंग्लैंड। हाँ जी यस। तो नाउ थ्री नेम्स, तो व्हेन आई एम गोइंग टू टीच यू ब्रिटेन, मैं बीच बीच में तीनों नाम बोल लूंगी, ठीक है? यूके भी कहूंगी, इंग्लैंड भी कहूंगी, ब्रिटेन भी कहूंगी। यस नाउ द क्वेश्चन इज, बेटा यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखो, हाउ ब्रिटेन बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन? हाउ ब्रिटेन बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन? तो ग्रेट इंडिया नहीं बना, बट ऐसा क्या बात थी कि ब्रिटेन ग्रेट ब्रिटेन बन गया? हम पे भी रूल ओवर कर चुका है ब्रिटेन, पता है? दिस इज द सेम ब्रिटेन, ब्रिटिशर्स रूल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट 300 इयर्स। हमें याद है वो 300 साल। अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगी नेशनलिज्म इन इंडिया। ये तो यूरोप में आ रहा ना नेशनलिज्म, एक एक करके सारे कंट्री कुछ यूनिफाइड हो रहे हैं, कुछ इंडिपेंडेंस हो रहे हैं, एंड इवन इलिटरेट पीपल आल्सो अवेयर अबाउट नेशनलिज्म। नेशनलिज्म मींस लव फॉर कंट्री। सो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। अच्छा ब्रिटेन की बात करें, आज हम इंग्लैंड जा रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं बच्चे। यस अब द क्वेश्चन इज हाउ ब्रिटेन बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन। ऐसा ब्रिटेन स्मार्ट कंट्री बहुत है, ये आपको भी पता है, स्मार्ट बहुत है ब्रिटेन। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी और पता नहीं क्या क्या पॉलिसीज करके 300 साल तक हमें गुलाम बनाए रखा। वो तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी और भगत सिंह और लाल बहादुर शास्त्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके मतलब एंड मेनी मोर, जिनके एफर्ट से वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 में। तो इन द सेम सेंस ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन after annexing the other countries in their own region. छोटे छोटे भोले भाले देशों को अपने में annex करके, annex मतलब join करके, combine करके, वो Great Britain बन गया। ये तो हमारी बहादुरी थी कि 300 साल तक चलने नहीं दी हमने उनकी, बट बाकी छोटे छोटे countries ऐसे थे यूरोप के ही, कि एक एक दो दो एक्ट पास करके थोड़ी ही टाइम में उन कंट्रीज को अपने में अनेक्स करके, एक दो तीन कितने सारे कंट्रीज को अनेक्स करके ब्रिटेन बन गया, द ग्रेट ब्रिटेन। यस नाउ हेडिंग इज क्लियर टू यू, शो मी थम्स अप, फिर आगे चलेंगे अगर क्वेश्चन क्लियर है तो। चलो थैंक यू आकाश, अमन, अभिषेक, नूपुर, रुद्रा वेटिंग फॉर यू, तेजेश्वर, राघव, अर्नव, कनव, ओके थैंक यू वेरी मच ऑल। चलो 5 marks आंसर, How Great Britain, how Britain became Great Britain. Right. So today, all the students are having very good reading. But today, I'm going to unmute Reva. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, beta. Start, beta. The model of the nation or the nation state, some scholars have argued, is Great Britain.
ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ द नेशनल स्टेट एक मिनट रेवा रेवा एक मिनट हाँ मनीषिका बेटा यस मनीषिका गुड आफ्टरनून मैम मैम आई वांट टू आस्क कैन यू रिपीट द क्वेश्चन हाउ ब्रिटेन बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन R O R. What was the strange case of Britain? It is already written the heading, तो मैंने नहीं लिखवाई थी. Britain ने कुछ खास करा था. हाँ जी. रेवा continue बेटा. In Britain, the formation of the nation state was not the result of a sudden upheaval or revolution. It yes. was the result yes. of a long. Reva, let me see your first line. So first line, you have told us. The model of the nation or a nation state, some scholars have argued, is Great Britain. कुछ लोग मानते हैं काफी ज्यादा नेशन को नेशन स्टेट बनाना और annexation का वो सारा सिस्टम ब्रिटेन को ग्रेट ब्रिटेन बनाता है. इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट, जब हम नेशन स्टेट की बात करते हैं तब हम किसी कंट्री की बात करते हैं जैसे कि इंडिया, ये याद रखना. वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल और रेवोल्यूशन. ये सारा कुछ काम एक दिन में नहीं हुआ था. It was not sudden upheaval. It was a long taken time for Britain. काफी time ले लिया था, काफी मतलब as compared to other countries. तो फिर जाके Britain ने अपने अपने पास इन areas को मिला लिया था. ध्यान से सुनते जाना, जहां आपको दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा, you can raise a hand and I will unmute and take your doubt. ठीक है? हाँ जी रेवा. There was no Britain nation prior to the 18th century. का मैप देखोगी ना, there was no British nation. 18th century में British कोई नेशन ही नहीं था. ब्रिटेन खुद 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 ही ऐसा था कि कोई भी उस पर रूल ओवर कर सकता था. हाँ, बट ये है ब्रिटेन की स्मार्टनेस के धीरे धीरे वो इतना खुद स्मार्ट बन गया कि दूसरे दूसरे एरियाज को अपने में मिलाने लग गया. नाउ यू विल नो. हाँ जी रेवा. The primary identities of the people who inhabited the British isles were ethnic ones such as English, Welsh, Scot and Irish. All of these ये वाले areas में लोग रहते थे. The primary identity of the people who inhabited British, जो लोग ब्रिटेन में रहते थे वो लोग अपने आप की ऐसी, क्योंकि बहुत बड़ा था ना ब्रिटेन, जैसे हम लोग पंजाबी हैं, गुजराती हैं और मराठी हैं, ऐसे ही वहां पर अलग अलग एथनिक ग्रुप्स थे. दोस पीपल हु आर कमिंग टुगेदर शेयरिंग वन कल्चर और लैंग्वेज. सो ये थे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट, आयरिश. इंग्लिश इंग्लिश पीपल, वेल्श वेलोनिया रीजन, स्कॉट स्कॉटलैंड, आयरिश आयरलैंड. हां जी बेटा रेवा. All of these ethnic groups had their own cultural and political traditions. हर एक इंग्लिश नेशन ग्रुप थी ना, अपनी अपनी ट्रेडिशन थी, अपना अपना कल्चर था. एथनिक वर्ड याद रखना. दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लाइन इन पावर शेयरिंग चैप्टर, सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर में. तब मैं आपसे पूछूंगी, एथनिक पढ़ा था हिस्ट्री में, सेम मीनिंग है. सो एथनिक मीन्स सम ऑफ द ग्रुप्स हु आर कमिंग टूगेदर एंड दे शेयर्ड कलेक्टिवली based on any language or any one religion or any one festival or any one region. Religion अलग है, region अलग है, तो ये सारे groups अलग अलग रहते होते थे. अच्छा, हाँ जी बेटा, then further. But as the English nation steadily grew in wealth, importance and power, it was able to extend its influence over the other nations of the islands. जैसे जैसे ब्रिटेन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता गया ना, साथ साथ वाले छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स को, छोटे छोटे एरिया को इम्प्रेस करता गया और उसकी ये इच्छा बढ़ती गई, क्यों ना छोटे छोटे एरिया को अपने में अनेक्स कर लूं और खुद और बड़ा हो जाऊं. सब लोग चाहते हैं, एवरी कंट्री वॉन्ट दिस, एवरी कंट्री वॉन्ट दिस. चाइना भी ये चाहता है इंडिया को और बार बार बॉर्डर पर अटैक करता है. अभी थोड़े दिन पहले की न्यूज सुनी है मैंने, हमारा आंध्र प्रदेश पे बॉर्डर है अक्साई चिन, सुना होगा आपने न्यूज में. अक्साई चिन पर अटैक करता है बार बार, इसलिए कि आंध्र प्रदेश वो ले ले.
खुद को बड़ा पावरफुल कंट्री मानता है पर भूल जाता है इंडिया की पावर. तीन बार पहले इंडिया चाइना की लड़ाई हुई है और तीन बार उसको मुंह की खानी पड़ी है. और हमारी आर्मी अब इधर हम लोग सारे लगे हैं वायरस को निपटाने में, हमारी सारी आर्मी सारे डिपार्टमेंट लगे हैं वायरस को निपटाने में. तो वो हमारे बॉर्डर पर अटैक कर रहा है. एवरी कंट्री वॉन्ट टू एक्सटेंड इट्स बाउंड्री एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स, दूसरों का नुकसान करके अपनी बाउंड्री बनाता है. तो चाइना को लेकर हमारा जब भी झगड़ा चलता है बॉर्डर को लेकर चलता है, आंध्र प्रदेश वाली साइड अक्साई चिन बॉर्डर. अब देखो बॉर्डर जो है वो हमारा एरिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आपके पड़ोस में लगता तो वो आप ले लोगे. ब्रिटेन ने भी सही किया नहीं, आप आगे पढ़ने वाले हो, ब्रिटेन ने भी सही किया नहीं, पर क्योंकि वो थोड़े वीक थे ग्रुप्स तो ब्रिटेन के आगे बोले नहीं. हम वीक नहीं है तो हम तो नहीं देंगे बॉर्डर. अब आपका सपोज अभिषेक राणा एंड माई हाउस वी आर हैविंग वन कंबाइंड वॉल, हमारी एक दीवार जो है वो सांझी है, कंबाइंड वॉल. इसका मतलब ये थोड़ी के दैट द टाइम विल कम के मैं कहूंगी अभिषेक के साथ की घर वाली दीवार मेरी है तो मैं इसका भी घर ले लूं, ऐसा थोड़ा ना होगा. तो बॉर्डर जब हमने डिसाइड करे थे इट मींस बाउंड्रीज आर हेयर दैट बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया. अब अमृतसर जाते हैं ना अटारी बॉर्डर पे जब हम परेड देखने जाते हैं, रेजो हैंड्स कौन कौन अमृतसर गया और किस किस ने वो परेड देखी है. बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो वो परेड देख के ही नेशनलिज्म आ जाता है. you know, क्या परेड है पाकिस्तान एंड इंडिया, वन सोल्जर फ्रॉम दैट साइड वन सोल्जर फ्रॉम इंडिया, और उनकी वो आधे पौने घंटे की परेड वंडरफुल. हाँ पर वहां पे टाइमिंग है इतने से इतने तक ही परेड होती है, तो काफी आगे है सिटी से बंदा अपनी गाड़ी में जाए तो ठीक है वरना आगे काफी दिक्कत आती है. सो दैट इज अ वंडरफुल परेड. तो उसको अब देखो, अब वो जिन बच्चों ने वो परेड देखी है इट मीन्स अमृतसर से जब लाहौर, अमृतसर से कुछ ही फीट रह जाता है कुछ ही कदम रह जाता है लाहौर. बट अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम इधर चले जाएं तो लाहौर भी हम ले लें, या वो अमृतसर आ जाएं और अमृतसर पंजाब ले लें, ऐसा नहीं होता. इन द सेम सेंस वी आर हैविंग डिस्प्यूट विद पाकिस्तान बॉर्डर को लेकर. नाउ रेज योर हैंड्स दोज हु नो विच बॉर्डर, कौन से बॉर्डर को लेकर हमारा झगड़ा चलता है पाकिस्तान चाइना के साथ. तो मैंने बता दिया अक्साई चिन आंध्र प्रदेश. लेट मी अनम्यूट तारुष जैन. तारुष जैन पाकिस्तान को लेकर क्या झगड़ा चलता है, कश्मीर, कश्मीर को लेकर झगड़ा चलता है. मैंने पढ़ाया नहीं है आपको बट फिर भी आपको पता है. अब उसके बिल्कुल बॉर्डर पे है कश्मीर. व्हेन यू विल विजिट कश्मीर ना यू विल इमेजिन योरसेल्फ दैट 99% यू आर इन पाकिस्तान. कश्मीरी लैंग्वेज है वहां पर हमें एक भी वर्ड समझ नहीं आता. देयर फूड, देयर कल्चर, देयर ड्रेस, देयर ज्वेलरी, एवरीथिंग इज डिफरेंट एंड 99% रिलेटेड टू पाकिस्तान. बट इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ हमारा कश्मीर लगता है तो वो कश्मीर ले लेंगे. अब उधर जो पाकिस्तान अमृतसर के पास लगता है एरिया, पाकिस्तान का लाहौर, पंजाब, और आपको पता है असली पंजाब पाकिस्तान में है हमारा. Yes, ma'am. But it is not like the thing that we will overcome that area. But Britain ये समझ नहीं पाया. Britain को तो सिर्फ अपनी boundaries extend करनी थी. और अभी आप देखोगे 3 marks answer, 2 question, 3 marks answer, which country were annexed by Britain and Britain became Great Britain. This is the introduction only. Reva is telling us. हाँ जी Reva. Then what happened further? The English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688 at the end of protracted conflict, was the instrument through which a nation state with England at its center came to be forged. चलो काफी कुछ पढ़ दिया रेवा ने, मैं बताती हूँ आपको. Now the English Parliament, which had seized power, seize का meaning लिखो stop. Which has seized power from monarchy 1688 at the end of conflict. Conflict के बाद power खत्म हो गई थी और England में अभी monarchy नहीं थी. At the end of, sorry, was the instrument through which a nation state with England at its center. Nation state बन गया था और center, England के center में ये वाली concentration of power थी.
came to be forced. अब ये लोग ऐसे तरीके से आगे बढ़ेंगे, ऐसे तरीके से खुद को forward करेंगे, so they can annex any country और कोई उनको कुछ भी नहीं बोल सकेगा. हाँ जी रेवा, wait रेवा, रेवा अब यहाँ से शुरू कर रही है. The act of, start a bracket over there, the act से. Your next question 3 marks answer. एक क्वेश्चन लिखो यहां, जगह नहीं है, छोटा छोटा लिख लो, प्रिसाइज में लिख लो आप. हाउ स्कॉटलैंड वॉज अनैक्स्ड इन ब्रिटेन. अनैक्स, ए डबल एन ई एक्स ई डी. हाउ स्कॉटलैंड वॉज अनैक्स्ड इन ब्रिटेन. छोटा सा प्यारा सा मुल्क है वो स्कॉटलैंड. बेचारे ने खुद ही हथियार डाल दिए और ब्रिटेन में जाके मिल गया. ब्रिटेन को ज्यादा एफर्ट भी नहीं करने पड़े. सब लोग इंडिया जैसे थोड़ी होते हैं, सारे कंट्रीज. 300 साल तक लगा रहा बेचारा ब्रिटेन, पर फिर उसको जाना ही पड़ा था. हाँ जी, नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट निखिल. निखिल स्टार्ट करो रीडिंग बेटा. स्कॉटलैंड चलेंगे, 10 मिनट में वापिस आ जाएंगे. स्कॉटलैंड में क्या हुआ था. यस बेटा, The Act of Union 1707 between England and Scotland that resulted in the formation of the United Kingdom of Great Britain meant in effect that England was able to impose its influence on Scotland. Yes, beta. The Act of Union, beta, your 1 mark answer. Through which act Scotland was annexed? The Act of Union 1707 between England and Scotland. Means ek act hua tha that resulted the formation of United Kingdom of Great Britain meant that effect that England was able to impose its influence on Scotland. Kuch bhi nahi tha, bas ek act pass kiya 1707 mein, Act of Union, aur is act mein likha tha, agreement mein likha tha that from now onward Scotland will be annexed in Britain. Scotland khatam ho gaya, Britain ka rule over chalega, Scotland kuch nahi bolega. Achha Nikhil, ek minute ruk zara. ये ईशान, शांतनु, राघवी और आदर्श. स्विच ऑन योर कैमरा बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि हम लोग अभी स्कॉटलैंड घूम रहे हैं, वहां पर डूबे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है, और मैं बीच बीच में आपको कैमरा ऑन करने को बोलूं. बताओ, हियर 32 पीपल आर सिटिंग हियर, सी, इज इट पॉसिबल फॉर मी कि आपको बीच में, तो सिर्फ पढ़ा सकती हूँ बीच बीच में आपको. ईशान क्या दिक्कत क्या बेटा, सिर्फ स्तुति ने परमिशन ली है और किसी ने परमिशन नहीं ली है कैमरा ऑफ करने की. यस बेटा, कंटिन्यू निखिल. द ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इट्स इंग्लिश मेंबर्स. यस, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज हेंसफोर्थ डोमिनेटेड बाय इंग्लिश मेंबर. अब ब्रिटिश पार्लियामेंट थी तो इंग्लिश मेंबर ही होंगे. इंग्लिश मेंबर थे तो उन्हीं का ही डोमिनेंस था, वो जो चाहे वो करते थे, उनके आगे कोई नहीं बोलता था. Yes, Nikhil. The growth of a British identity meant that Scotland's distinctive culture and political institutions were systematically suppressed. चलो जी, बड़ा अच्छा कल्चर था. Distinctive. Distinctive culture मतलब wonderful and clear type of culture. बट खत्म हो गया क्योंकि ब्रिटिश ने टुक ओवर कर लिया, रूल ओवर कर लिया, स्कॉटलैंड का अपना एग्जिस्टेंस सब कुछ खत्म है. नाउ द लाइन निखिल हैज रेड, द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट द स्कॉटलैंड डिस्टिंक्टिव कल्चर एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वर सप्रेस्ड. उसका कल्चर, उसकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, उसकी अथॉरिटी, उसका एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड नाउ बिकॉज ब्रिटिशर्स आर द ऑनर, ब्रिटेन इज द ऑनर ऑफ स्कॉटलैंड. अब जैसा चाहेगा ब्रिटेन वैसा ही स्कॉटलैंड में होगा. हाँ जी, सम अप करो बेटा स्कॉटलैंड को निखिल. द कैथोलिक क्लैंस दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाइलैंड्स सफर्ड टेरिबल रिप्रेशन व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस. हाँ, कुछ कुछ ग्रुप्स उठ रहे थे, कुछ कुछ ग्रुप्स ट्राई कर रहे थे
कि हम शायद ब्रिटिशर्स को सप्रेस कर देंगे और हमारा अपना कल्चर जिंदा रहेगा. अब आपने पढ़ा, निखिल ने नाम पढ़े, द कैथोलिक क्लैंस इन द इनहैबिटेंट ऑफ स्कॉटिश आइलैंड. इनहैबिटेंट होता है वहां पर रहने वाले लोग, लिविंग पीपल. सो समटाइम इनहैबिटेंट पीपल दे वर ट्राइड, वो कोशिश कर रहे थे, सफर टेरिबल रिप्रेशन, लेकिन उनको रिप्रेस कर दिया गया, उनको ब्रिटेन ने दबा दिया. वेन एवर दे अटेम्प्ट टू assert the independence, जब जब उन्होंने कोशिश की थी इंडिपेंडेंस लेने की, तब तब उनको सप्रेस कर दिया गया, रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया, उनकी एक्टिविटीज को कर्ब कर दिया गया और स्कॉटलैंड बेचारा कुछ नहीं कर पाया. यस निखिल. द स्कॉटिश हाइलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर Gaelic language or where their national dress and large number were forcibly driven out of their homeland. ये तो पुरानी इसकी चली आ रही है रीत ब्रिटेन की, जहां जहां जाएगा रूल ओवर करेगा और सब कुछ खत्म कर देगा. एंड द स्कॉटिश हाइलैंडर्स वर फॉरबिडन, फॉरबिडन का मतलब होता है मना कर दिया, वर फॉरबिडन टू स्पीक गैल, अपनी ही लैंग्वेज वो नहीं बोलेंगे, सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे. ठीक है, गैलिक लैंग्वेज उनकी अपनी लैंग्वेज थी स्कॉटलैंड की, दे विल नॉट स्पीक दैट गैलिक लैंग्वेज और वियर एनी नेशनल ड्रेस. अपने कपड़े भी नहीं, वो अपनी अपनी नेशनल ड्रेस भी नहीं पहन सकते हैं, वो ब्रिटेन वाला ही सब सिस्टम फॉलो करेंगे. एंड लार्ज नंबर वर फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ द होमलैंड, कुछ लोगों को जबरदस्ती स्कॉटलैंड से बाहर निकाल दिया गया. दिस वॉज द सिस्टम ऑफ स्कॉटलैंड विच वॉज टोटली अनैक्स्ड बाय ब्रिटेन. कुछ नहीं है, 3 marks का आंसर है दिस शॉर्ट पैराग्राफ फ्रॉम वेयर यू बिगिन द ब्रैकेट. वी विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन, वी विल डायरेक्टली डू दिस क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक. खुद ही अपने आप इसके 3 points बनाकर रिलेटेड हेडिंग बना लेना. सो दिस इज अनेक्सेशन ऑफ स्कॉटलैंड बाय ब्रिटेन एंड ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन. शांतनु डोगरा, लास्ट वार्निंग, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. लास्ट वार्निंग शांतनु, शो मी योर बुक इन कैमरा लाइक आई एम शोइंग यू. ये मेरी बुक है, शो मी योर बुक इन कैमरा. अनम्यूट कर रही हूं शांतनु बेटा, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून शांतनु. गुड आफ्टरनून बेटा. सी I will remove you within 1 or 2 minutes if you will not show me your book. Show me thumbs up if Scotland clear to you. वापिस आए स्कॉटलैंड से, कहीं और भी चलना है. चलो, thank you very much. ये स्कॉटलैंड था, कॉपी पे नहीं लिखना, डायरेक्टली यहीं से लर्न करेंगे. हाँ जी जॉय, अनम्यूट करो. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून बेटा. स्कॉटलैंड पर किसने कब्जा किया? इंग्लिश. ओके, और फिर उसके बाद कौन सा एक्ट पास हुआ था थ्रू विच दे एक्ट ऑफ यूनियन ऑफ 1707. हाँ ठीक है. एंड व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ एनेक्सेशन, बाद में क्या हुआ? द कल्चर वाज चेंज्ड एंड दे वर रेफर्ड टू एज ब्रिटिश एंड देयर गैलिक लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट एंड इंग्लिश वाज सपोज्ड टू बी स्पोकन एंड आल्सो देयर कल्चरल ड्रेसेस व्हिच वर किल्ट्स. चलो, थैंक यू वेरी मच जॉय, थैंक यू एक्टिव पार्टिसिपेशन, वंडरफुल आंसर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंट कंट्री. 10 minutes के लिए जाएंगे, वापिस आ जाएंगे. जब ब्रिटेन ने इतना टाइम नहीं लगाया तो हम इतना टाइम क्यों लगाएं, ठीक है. नेक्स्ट कंट्री हम जा रहे हैं स्कॉटलैंड के बाद आयरलैंड, क्योंकि आप ही ने पढ़े थे, रेवा ने पढ़ा था स्कॉटिश पीपल आयरिश पीपल. तो स्कॉटिश पीपल फ्रॉम स्कॉटलैंड, उसका तो काम हो गया. नाउ वी आर गोइंग टू आयरलैंड, आयरिश पीपल. अच्छा एक बात कहूं, ईशान बुक ऊपर रख बेटा, बुक टेबल पे रख. आयरलैंड की किस्मत भी ठीक नहीं थी, आयरलैंड की किस्मत भी स्कॉटलैंड जैसी थी. छोटा सा कंट्री था, प्यारा सा कंट्री था, अच्छे कल्चर वाला था, ब्रिटेन जैसे पावरफुल कंट्री को फेस नहीं कर पाया और सेम स्कॉटलैंड जैसा हाल हो गया उसका भी आयरलैंड का. नाउ शो मी थम्स अप इफ प्लेटफॉर्म क्लियर टू यू कि हम कहां जा रहे हैं और वहां पर क्या होने वाला है. आयरलैंड जा रहे हैं. रागवी क्लियर है ना बेटा?
चलो थैंक यू वेरी मच. नाउ आई एम गोइंग टू अनम्यूट राघवी. राघवी गुड आफ्टरनून माय डियर. गुड आफ्टरनून मैम. हाँ जी चलो बेटा आयरलैंड चले, उसकी किस्मत में क्या लिखा है देख लें. बस दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन. ठीक है. हाँ जी. आयरलैंड सफर्ड फ्रॉम अ सिमिलर फेट. इट वाज अ आयरलैंड सफर्ड फ्रॉम अ सिमिलर फेट. फेट का मीनिंग लिखो किस्मत, लक. आयरलैंड की भी सेम किस्मत थी जो स्कॉटलैंड की थी. हाँ जी बेटा, अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप सिमिलर की जगह आप ऐड कर देना सिमिलर फेट लाइक स्कॉटलैंड. हाँ जी बेटा. राघवी एक मिनट राघवी. हाँ वंशिका बेटा, वांट टू से समथिंग बेटा. मैम व्हिच क्वेश्चन वी विल राइट हियर? आयरलैंड पे. यस मैम. सेम क्वेश्चन लिख लो. हाउ वाज आयरलैंड अनेक्स्ड इन ब्रिटेन. ओके मैम. एक ही क्वेश्चन निकलता है आयरलैंड का 3 मार्क्स का, वो यही है. आयरलैंड के कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो यही है. चलो अवलीन आप करोगे सम अप इस क्वेश्चन को. ठीक है. राघवी पढ़ेगी. आई विल एक्सप्लेन देन यू विल सम अप जैसे जॉय ने करा. हाँ जी राघवी कंटिन्यू. ओके ओके मैं समझ गई. Yes, बेटा. It was a country deeply divided between Catholics and Protestants. चलो जी, पहली बात तो ये है कंट्री खुद ही डिवाइड हुआ पड़ा, और ब्रिटेन को एफर्ट ही नहीं करना पड़ेगा. The country was divided into two categories, Catholic and Protestant. आप अपने हाथ से यहाँ पर लिखो अंडरलाइन करके सब ग्रुप्स ऑफ क्रिश्चियन. Just like as two categories of Hindus and two categories of Muslims, two categories of Sikhs, है ना, एक कट्टर होते हैं, एक थोड़े लिबरल होते हैं, ऐसे ही क्रिश्चियंस की भी दो कैटेगरी हैं, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट. इनमें भी एक कट्टर होते हैं और एक थोड़े लिबरल होते हैं. बट आयरलैंड में खुद ही दोनों पहले डिवाइड हुए थे और खुद ही दोनों लड़ रहे थे आपस में. तो ब्रिटेन तो आपको पता ही है, ऑल टाइम स्मार्ट कंट्री. हाँ जी, then what happened, Raghvi? The English helped the Protestants to Ireland to establish their dominance over largely Catholic countries. चलो जी, एक बार एक ग्रुप की दुश्मन का, वो कहते हैं ना दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त बन जाता है. तो ब्रिटेन तो स्मार्ट कंट्री था, दोनों आपस में लड़ पड़े थे, एक ग्रुप की हेल्प करके दूसरे के खिलाफ मेजोरिटी दे दी. चलो जी आपस में और लड़ो और तीसरा बंदा हमेशा फायदा उठाएगा. अभी राघवी ने लाइन पढ़ी, द इंग्लिश पीपल हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड टू एस्टेब्लिश देयर डोमिनेंस. प्रोटेस्टेंट को बोला मैं तेरी हेल्प करूंगा, तू डोमिनेट हो जाएगा और कैथोलिक को यहाँ से भगा देगा. हाँ जी राघवी. कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड. कैथोलिक ने भी रिवोल्ट करा अगेंस्ट ब्रिटिश बट वॉज सप्रेस्ड, लेकिन उसको दबा दिया गया, कैथोलिक की कोई सुनी नहीं गई. हाँ जी. After a failed revolt led to the wolf tone and this and his united Irishmen Irish bolo isko Irish Irishmen bolo Irishmen in 1798 Ireland was forcibly incorporated into the United Kingdom in 1801. Chalo ji, wo 1707 mein gaya tha Scotland, ye 1801 mein ek act ban gaya aur is act ke according Ireland ko bhi Britain mein mila liya gaya. क्योंकि वहां पर जो रिवोल्ट हुआ था बाय वॉल्फटॉन वो बिल्कुल बेकार था और सक्सेसफुल नहीं हुआ, और बस एक एक्ट पास किया और आयरलैंड को उसमें मिला लिया. अब रिजल्ट क्या होगा बिना पढ़े बताओ तो जरा. ये मैं अनम्यूट करती हूँ अवलीन को. अवलीन बताना रिजल्ट क्या होगा. रिजल्ट यही होगा कि जो स्कॉटलैंड के साथ हुआ उनको अपना ट्रेडिशन फॉलो करने नहीं दिया जाएगा. बिल्कुल बिल्कुल. और लैंग्वेज, उनकी ड्रेस, उनका फ्लैग, सब कुछ खत्म हो जाएगा. हाँ जी राघवी. A new British nation was forced through the propagation of a dominant English culture. चलो जी, प्रोपेगेशन का मीनिंग लिखो मेक पॉपुलर. अब इंग्लिश कल्चर वहां पर पॉपुलर होगा आयरलैंड में, और आयरलैंड का खुद का कल्चर विल, आयरलैंड कल्चर विल इंक्रीज. ओके नमन. हाँ नमन.
Ireland culture will decrease. Arnav. Ma'am, I also wanted to say that Ireland culture will decrease. Thank you very much. It means you are my aware students. आपको इसका फ्रूट जरूर मिलेगा. अवेयरनेस का और हार्डवर्क का फ्रूट जरूर मिलता है. असेसमेंट के मार्क्स मेरे हाथ में है. सो मैंने एक वर्ड गलत बोला, इमीडिएटली नूपुर का, अर्नव का रिएक्शन, नमन का मुझे स्क्रीन पे नजर आ गया. अरे आयरलैंड कल्चर थोड़ा इंक्रीज होगा, आयरलैंड कल्चर तो डिक्रीज हो गया. हाँ जी राघवी, फर्दर बेटा. द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, द नेशन, द नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग, the English language were actively promoted and the older nation survived only as a subordinate partners in this union. चलो जी, अब उनका झंडा, उनका गाना, national anthem, उनकी dress, उनकी language, उनका culture, सब कुछ Ireland में आ गया. अच्छा, उनके flag का नाम देखा आपने? The Union Jack. हमारे flag का नाम क्या है? रुद्रा, हमारे flag का नाम क्या है? स्क्रीन ना फटाफट स्क्रोल हो जाती है मुझे जब अनम्यूट करना होता है. अभी मुझे देखो वो बच्चा नहीं मिल रहा. रुद्रा, हाँ रुद्रा अनम्यूट करो. हमारे हमारे फ्लैग का क्या नाम है? इट्स तिरंगा और ट्राइकलर. हाँ अच्छा, उनका नेशनल एंथम है गॉड सेव आवर नोबल किंग. वो तो किंग को अभी भी वहां पे वो तो किंग को ही कहते रहते हैं. हमारे यहाँ तो किंग है नहीं. God save our noble king. देखना YouTube पे कैसा है इनका national anthem. No God save our noble king. मैं नहीं देखती हूँ ये सब. अच्छा द्रुद्रा, हमारा फिर कौन सा है national anthem? जन गण मन. हाँ, and we should feel proud to our national anthem. पर ब्रिटेन ने अपना सारा कल्चर उधर डाल दिया, अपनी लैंग्वेज भी डाल दी. were actively promoted and the older culture was diminished. और पहला कल्चर आयरलैंड का फिनिश हो गया. So in this how ब्रिटेन बिकेम द ग्रेट ब्रिटेन. अभी बहुत सा तो अभी हमने पढ़ा नहीं, जो सिलेबस में है. यूरोप को, जो यूरोप के कुछ एक कंट्रीज को जो इजीली इसने अनैक्स कर लिया वही लिखा, वरना ब्रिटेन ने तो बहुत सी और कंट्रीज भी अनैक्स कर लिए थे. वो सारे पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ हिस्ट्री का यूरोप चैप्टर ही करेंगे पूरे साल में. तो हेयर वी हैव डन ओनली टू कंट्रीज. अच्छा एक मेरी बात सुनो, कुछ भी नहीं लिखना आज और कुछ नहीं पढ़ना. लिसन टू मी ओनली. एक मिनट राघव लेती हूँ मैं डाउट. रुको राघव. नाउ द क्वेश्चन कैरी 3-3 मार्क्स फॉर ईच. आयरलैंड सेपरेटली 3 मार्क्स, स्कॉटलैंड सेपरेटली 3 मार्क्स, और ऊपर उससे पहले जो पढ़ा था रेवा ने शायद पढ़ा था, तो दैट विल बी इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिटेन. दैट इंट्रोडक्शन कुड बी एडेड बोथ ऑफ द क्वेश्चन. कोई चक्कर नहीं है, हो जाएगा. Now, if the individual question come for Ireland, last paragraph will be the answer. If the individual question come for Scotland, then this paragraph will be the answer from where you have started. Na, bracket the Act of Union. Apne aap 3-3 point banakar proper heading bana lena. But if the question come for how Britain became Great Britain, agar ye question aata hai, then you have to write both of the question. Dono case likh dena. स्कॉटलैंड वाला भी और आयरलैंड वाला भी. दो द क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, दोनों ही लिखने हैं आपने. ओके मतलब आई मीन टू से सम ऑफ द पॉइंट्स. मेरी बात टेंजी ध्यान से सुनो, नोट कर लो, बेशक आप जैसे मर्जी सुनो. इफ सम टाइम द क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स एंड सम टाइम द क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, बट सम पर्टिकुलर क्वेश्चन कैरी इफ 3 पॉइंट्स और 5 पॉइंट्स, यू आर गोइंग टू मेक श्योर दिस थिंग दैट. अपने पोलिंग वाला क्वेश्चन था, उसमें आपने बड़े सुंदर 5 पॉइंट लिखे थे, बुक पे मार्क करा था, कॉपी पे भी लिखा था. एंड इफ द क्वेश्चन कम फॉर 3 मार्क्स, जस्ट मेंशन ओनली 3 पॉइंट्स, चलेगा. 5 भी लिखते हो तो उसको कोई फायदा नहीं होगा, आप ही का एफर्ट जाएगा, मुझे तो 3 चाहिए. बट इफ क्वेश्चन कम लाइक यूनिफिकेशन ऑफ इटली, पढ़ लिया ना हमने. हाँ, यूनिफिकेशन ऑफ इटली या यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी. इफ दिस क्वेश्चन कम फॉर 5 मार्क्स, तो पूरा यूनिफिकेशन लिखना, एंड में राजा बना के छोड़ना. ओके, एंड इफ दिस क्वेश्चन कम फॉर 3 मार्क्स, तो 3 पॉइंट नहीं लिख देने, ऑटो वन बिस्मार्क तक खत्म हो गया काम, उसका भी यूनिफिकेशन करवा के छोड़ना. 3 मार्क्स में भी राजा बनाना विक्टर इम्यूनुअल को, याद है आपको. तो इन द सेम सेंस इफ दिस क्वेश्चन कम फॉर, अब ये नहीं कहना कि मैडम 3 मार्क्स में आया,
suppose the question come for, main aapko, I'm preparing you for board exam. If the question come for only 3 marks, how Britain became Great Britain? तो ये नहीं आपने कहना कि मैडम सिर्फ स्कॉटलैंड ही लिखेंगे. ब्रिटेन को महान बनाने के लिए, ग्रेट बनाने के लिए सिर्फ एक एक कंट्री काफी नहीं था. सो आप क्या करोगे, दिस विल बी योर स्मार्टनेस टू कट ऑफ बोथ द पैराग्राफ्स आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड एंड गिव द आंसर. इंट्रोडक्शन भी डालो 3 लाइनों की ब्रिटेन के बारे में, 4 लाइनों में स्कॉटलैंड खत्म करो, 4 लाइनों में आयरलैंड खत्म करो, हेडिंग बनाकर. चाहे 3 मार्क्स में आया, 5 मार्क्स में आया तो काफी कुछ लिख ही दोगे, फिर तो दोनों केस लिख ही दोगे. मतलब फॉर दिस क्वेश्चन ना, मैं आपको बताऊं, लास्ट ईयर एक बच्चे, लास्ट ईयर तो चलो गूगल क्लासरूम, उसमें गूगल फॉर्म में पेपर हुए थे. अरे एक अनाउंसमेंट करनी मैंने गूगल क्लासरूम की, मुझे रिमाइंड करवा देना ईशान, मेरे को रिमाइंड करवाना. ओके, लास्ट टाइम द सेम क्वेश्चन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एंड आई हैव पुट दिस क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, और उसने 3 पॉइंट लिखे, फर्स्ट 3 पॉइंट लिख दिए उसने, ऑटोवन बिस्मार्क तक. नीचे वाले 2 पॉइंट लिखे ही नहीं, वो 3 वॉर्स और फाइनल यूनिफिकेशन. एंड ही वाज सेइंग कि मैम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे. नो, अबे यूनिफिकेशन तो करा ही नहीं पूरा, एंड में किंग बना के छोड़ना है कि प्रशिया का राजा उसी को जर्मनी का राजा बना दिया गया. मेरी बात समझ आ रही है आपको? सो सम ऑफ द क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स कैरी 3 पॉइंट्स, इनफ है, चलेगा. जैसे कि नेपोलियन वाला क्वेश्चन, मैं बोलूंगी ठीक है 4 भी पॉइंट लिखे तो 4th का कोई फायदा नहीं है. बट सम ऑफ द क्वेश्चन लाइक ये अगर आता है, ग्रेट ब्रिटेन कैसे बना ब्रिटेन, तो फिर यू हैव टू मेंशन बोथ ऑफ द कंट्रीज. नाउ रेज योर हैंड्स, थम्स अप नहीं दिखाना मुझे, तंग आ गई हूं मैं थम्स अप देख के. रेज योर हैंड्स दोज हु हैव क्वेश्चन और डाउट इन द माइंड. वंशिका थम्स अप नहीं चाहिए मुझे. ओके, राघव का डाउट ले, राघव का कब से डाउट था. हाँ राघव बोलो बेटा. मैम आर दीस कंट्रीज स्टिल अंडर ब्रिटिश रूल? No, now they are nation state. Now they are not under the British rule. Ma'am, I think Wales is still under British rule. Kaun? Which country? New South Wales. New South Wales. Okay, let me confirm फिर. मैं लिख लेती हूँ, note करती हूँ. बाकी भी search करना. New Wales. Other countries also search. Scotland और Ireland भी है. Britain के पास के नहीं. चलो. Any other doubt, raise your hands if you are having doubt. कुछ भी नहीं मैंने आज लिखवाना कॉपीज पे. चलो, thank you very much that none of you are having any doubt. हाँ ईशान बेटा, मेरे को बता तूने क्या कहना. Google class. हाँ Google classroom. अरे एक बात कहूँ, Google classroom का आप लोगों को पता चल चुका है, because this is the 4th lesson. 3 lessons में teachers ने बोल दिया होगा. हाँ जी, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड गूगल लिंक विल बी सेंट ऑन गूगल क्लासरूम एंड योर असाइनमेंट शीट्स विल बी पोस्टेड ओवर देयर. नो व्हाट्सएप कम्युनिकेशन विल बी एनी मोर फ्रॉम मंडे. वहीं पर मैं क्वेश्चंस डालना करूंगी, यू विल राइट आंसर, वहीं पर खोलकर मार्कर होता है, आई विल चेक एंड कमेंट करके मार्क्स देकर आपको वहीं डालेंगे. नो लिंक विल बी सेंट थ्रू व्हाट्सएप एंड नो कम्युनिकेशन थ्रू व्हाट्सएप. यस नूपुर. Ma'am, I wanted to tell Scotland is still a part of UK. I searched it online. Hi, thank you very much. Thank you, good girl. Okay, Scotland आज भी part है. Ireland भी मुझे लगता part है उसका. Britain कहाँ छोड़ने वाला छोटे-छोटे countries को. चलो, so any doubt in your mind? आप मुझे बताओ. अभी तक सारा clear है? MCQs पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा, right? चलो, now I'm going to wind up the class. And हाँ अवलीन, कोई डाउट है माय डियर? हाँ अवलीन. मैम, वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन, हाउ ब्रिटेन बिकेम ग्रेट ब्रिटेन, इनटू द नोटबुक. नो, इन नोटबुक यू हैव टू राइट. नो, डायरेक्टली फ्रॉम बुक. ओके, क्वेश्चन कुछ खास होते हैं, टिपिकल होते हैं, घुमा फिरा के होते हैं, वो फिर मैं, जैसे सिलेशिया का था, लिखा था सिलेशिया. हाँ, सिलेशिया वाला आंसर डायरेक्टली नहीं मिलना था, तो वो मैंने आपको लिखवा दिया था. स्तुति, आई वॉन्ट टू सी योर फेस. हाँ, पूरा टाइम तक कैमरा बंद था तेरा. चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योर संडे एंड रिवाइज दिस चैप्टर. थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा.